हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमृता के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ महाराष्ट्री रेसिपी शेयर कर रही हूँ, भरेला बैगन। उसके लिए मैंने क्या क्या सामग्री ली है, हम स्टार्ट करेंगे। मैं आज आपके साथ भरेला बैगन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या क्या सामग्री ली है हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी पहले यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, और टमाटर, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और धनिया, और यहाँ पे मैंने खड़े मसाले। अगर स्किप करना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन खड़े मसाला डालने से थोड़ा स्वाद अच्छा आता है। साथ ही साथ यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने या सिंगदाना और नारियल का पेस्ट बना के रखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बैगन लिया है, उसको बीच में से काट लिया है और नमक के पानी में रखा हुआ है क्योंकि वो काला ना पड़े, और मसाला लिया है जो हमें मसाला लगने वाले। अब हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम पेस्ट बना के ले लेंगे, उसमें मसाला ऐड करते जाएंगे सब। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगी, साथ ही साथ हल्दी चुटकी भर, नमक स्वाद अनुसार हम बाद में भी डालेंगे, सिर्फ थोड़ा डालेंगे। उसके बाद हम जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल देंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर को भी ऐड करेंगे। उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमारा पेस्ट अच्छी तरह से बन चुका है। अभी इसे हम बैगन में भरेंगे एक एक करके। बैगन में मसाला भर चुका है, देखिए मैं आपको दिखाती, ऐसे मैंने भरा है मसाला। अभी हम स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, उसमें तेल डाल दिया और हमारा कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज डालेंगे अभी इसमें, इसे अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा तब इसमें खड़े मसाला ऐड करेंगे। हल्का सा भी प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, अब इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। तेज पत्ता, लवंग और काली मिर्च, फिर इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। और साथ ही साथ कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को भी ऐड कर देंगे, को फिर अच्छी तरह से चला लेंगे। अब टमाटर ऐड कर देंगे, टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगा ना, फिर उसमें हम जो भरेले बैगन है उन्हें ऐड करना है। हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है। गैस को धीमी आंच पे रखेंगे और एक एक भरेला बैगन इसमें ऐड करते देंगे ऐसे। इसको हम चलाएंगे ना ऐसे रखेंगे, गैस को धीमी आंच पे रखेंगे, हो गया है। उसके बाद हम इसमें थोड़े मसाले ऐड कर देंगे, बिकॉज़ ये मैंने पहले इसमें कम कम मसाला ऐड किए थे, इसलिए हम वापस से थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड करेंगे। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप मसाला ऐड मत कीजिए। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा मसाला ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैं आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, यहाँ पे हल्दी थोड़ा सा क्योंकि पहला भी मैंने डाला है, और आधा चम्मच धनिया पाउडर, और लास्ट में मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लास्ट में जीरा, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी नमक। पहले भी हमने नमक डाला इसलिए थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, फिर उसे हम अच्छी तरह से चलाएं। इसके बाद अगर आपको इसमें पानी ऐड करना है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, अगर ड्राई चाहिए तो आप ड्राई भी खा सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि मसाला का पानी है, तो हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, इतना ही पानी मैं इसमें ऐड करूँगी।
फिर इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे, फिर इसे स्टीम में पकाएंगे। इसे हम कवर कर देंगे, इसे सिम में ही पकाना है हमें, इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इसी तरह से कुक हो चुका है, साइड में तेल भी आ चुका है। अब इसे हम गर्मा गर्म, हमारा भरेला बैगन बनके रेडी हो गया है, एकदम लुकिंग सो यमी। हमने इसे हरा धनिया से गार्निश किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।